स्वागत है आप सविका सिम डीसी आवाज पर आप देख रहे खिलाड़ी नंबर वन आज एक अहम दिन है मे सीरीज की एक्सपायरी का सत्र और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से, से मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत मार्केट में कायम है आज वो फिर सिलसिला बरकरार है करीब 115 अंकों की गिरावट पर कारोबार बाईस के आसपास निफ्टी आपको कारोबार करता दिखाई देगा अब आप लेकर आइए निफ्टी बैंक का स्तर तो निफ्टी बैंक के लिहाज से भी अगर आप देखें यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है एक सौ तो चौरानवे अंकों की बढ़त पर कारोबार क्योंकि दिग्गज बैंक जैसे कि कोटक आईसीआईसीआई एक्सिस एच ये कुछ आ, आ, तेजी में दिख रहे हैं तेजी में कारोबार कर रहे हैं हल्की ये बढ़त है लेकिन तेजी है मिड कैप इंडेक्स लेकिन इशारा कर रहा है कि मुनाफा वसूली कायम रह सकती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप गौर करेंगे तो वन एस टू टू के आसपास है गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा दिख रही है आज बढ़ने वालों की तुलना में इसीलिए वो इंडेक्स करीब दो अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है अब दो तीन पॉकेट्स हैं जहाँ पर आ, कुछ खरीदारी का मोड बना है एक तो निजी बैंक कुछ सरकारी बैंक भी आप इसमें जोड़ लीजिए और चुनिंदा आ, हीरो मोटोकॉप इंडेसिंड ये आ, आपका हिंडालको जैसे ट्रेड्स की बदौलत तेज़ी बनी है ये है अब तक का हाल मार्केट में अब हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज टाटा स्टील आईटीसी टीसीएस सी से थोड़ा बहुत ड्रैग कर रहे हैं अभी भी नीचे खींच रहे हैं इस मार्केट को रिलायंस अगर घूम जाए तो शायद बात बने और हम शायद अपनी चाल को और मजबूत कर पाएं तो कल बाईस छः का लो और आज उसके नीचे के लोस टेस्ट होते हुए हम बाईस छः को तोड़ चुके हैं पिछले दो दिनों में जो बिकवाली थोड़ी बहुत बड़ी है उस बड़े इवेंट के पहले दो बड़े इवेंट तीन आप कहिए आज की एक्सपायरी परसों का एग्जिट पोल और फिर मंगलवार को आने वाले चुनाव के नतीजे इस बीच हमारे जानकारों की रणनीति कैसी रही आ, क्या ट्रेड्स इन्होंने पकड़े कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई हुई है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वैसे मुकाबला तो है बड़ा दिलचस्प हमारे तीनों ही जानकारों के बीच में आ, कल तक लक्ष्मीकांत आगे थे आज पंकज आगे हैं फोर के रिटर्न पंकज के आ, फिर टू के रिटर्न अमोल के और टू तक के रिटर्नस लक्ष्मीकांत

जी देखिए यहाँ पे ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे निफ्टी पे काफी कॉल राइटर्स दिख रहे हैं लेकिन अगर चार्ट पैटर्न को अगर देखते हैं तो ये सपोर्ट ले रहा है के के करीब करीब और बोलिंजर बैंड के लोर बैंड लोअर से ये थोड़ा ऊपर चल रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक मिलना चाहिए अगर ये कोई भी सूरत में बाईस हजार पांच सौ की लेवल अगर निफ्टी तोड़ देगा तो मार्केट और भी ज्यादा खराब हो सकता है और इवेंट्स काफी बड़े बड़े हैं मैम तो उसके चलते शायद मार्केट के अंदर हम लोग इंडाइसिस में अगर ट्रेड करने से बेहतर है कोई इंडिपेंडेंट स्टॉक्स के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा फायदे का रहेगा बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस वही है आज गैप अप ओपन दिया तो है बैंक निफ्टी लेकिन सस्टेनेबिलिटी ये बड़ा इशू रहेगा उसमें अगर ये फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड अगर तोड़ता है आज दिन में तो शायद और भी डाउन हो सकता है लेकिन हम लोग होप करेंगे कि मार्केट सेकेंड हाफ में थोड़ा और अच्छा रहे सेकेंड हाफ में उम्मीद तो यही है कि कुछ रिवर्सल आए कुछ तेजी आए जोर दिखाए मार्केट अमोल उस पर काउंट करेंगे या फिर चुपचाप से स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें जी नमस्ते आई थिंक करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट लेवल पे इम्पोर्टेंट लेवल पे निफ्टी ट्रेड होता हुआ रहा दिख रहा है चाहे आज सेकंड हाफ में थोड़ा सा बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और जनरली जो स्टॉक्स करेक्शन uh, पूरे कर चुके हैं या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाए लक्ष्मीकांत तेजी या ज्यादा मंदी के सौदे क्या पकड़ेंगे आज जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू तो यू ऑल जी हाँ जैसा कि हमने देखा है कि निफ्टी ने अपने निचलेष स्तर पर ट्रेड कर रहा है पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बींग अ साइकोलॉजिकल लेवल मुझे वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिलेगा बट ऑन दी हायर साइड ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एक स्टिफ रजिस्टेंस भी है निफ्टी के लिए जब तक निफ्टी इसको उसके ऊपर एक डिसाइटिव क्लोज नहीं देता है तब तक एक रेंज बाउंड मूव बना रहेगा इन बिटवीन ट्वेंटी लेकर ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड के बीच में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरे को ट्रैक्शन नजर आ रहा है क्योंकि जो हमारा मेंशन सपोर्ट थाउजेंड थ्री हंड्रेड का वहां से एक पुल बैक मूव बैंक निफ्टी शो कर रहा है बट उसमें ट्रैक्शन पकड़ने के लिए उसको फोर्टी नाइन थाउजेंड के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा अंटेन फोर्टी 49,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है

वो ये है कि मॉनसून ने दरअसल दस्तक दे दी है केरल में आज 30 जून के दिन मॉनसून पहुंच चुका है और हम सब जानते हैं और यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि साल का मॉनसून एकदम अच्छा रहे जो भीषण गर्मी है उससे कुछ राहत मिले तो केरल में दस्तक दे चुका है और ये मार्केट के लिए भी एक बड़ा एक अपटेक देखने को मिल रहा है आ, लेकर आते हैं अब हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो और फिर ट्रेड्स एक एक करके सबका पोर्टफोलियो दिखाइए आप लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो पहले दिखा दीजिएगा किस तरह का ट्रेड इन्होंने आप पकड़ा है बाटा हिंडाल को दोनों में दरअसल प्रॉफिट बुक हुआ अब आप बताइए लक्ष्मी जी आज नया ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं जी मैं जैसा कि हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक आउटस्पेस कर रहे हैं मार्केट को सो मेरा ट्रेड रहेगा इंडियन बैंक में जो अभी फिलहाल 590 के आसपास चल रहा है इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है 575 का और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 635 का 635 के लिए एक मौका आपके लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉक लेकर आइएगा प्लीज एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे जी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 575 का और टारगेट रहेगा 635 का

और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 635, 635 का 635 का टारगेट इंडियन बैंक 575 का स्टॉप लॉस ये है फिलहाल इस समय की राय इंडियन बैंक याद रखिएगा एसएनपी ने जो आ, कल शाम को अपडेट आ, आ, दिया है कुछ बैंकों की रेटिंग को अप्रूव किया है कंफर्म किया है राधा उसमें इंडियन बैंक भी शामिल है तो ये एक फिलहाल ट्रेड आप इसमें बने रहें पंकज का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा पंकज ने जिन ट्रेड्स पर दरअसल आ, पैसे बनाए हैं उसकी तो एक बात हो चुकी थी आ, साथ ही साथ एनसीसी सी डॉक एनसीसी में कल एग्जिट किया मजगाव में प्रॉफिट बांधा पंकज आज का क्या है पहला ट्रेड अर्षदा जी इंडस टावर के ऊपर नजरें हैं इंडस टावर ने कल का हाइक ब्रेक कर दिया है एंड ये थ्री की रेंज में भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए और थ्री का स्टॉप लॉस

जो इनके फेवर में गए वहां पर कुछ -कुछ करेक्शन स्टॉक में हो चुका है और एक वीकली रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास फिलहाल अभी ट्रेड हो रहा है अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो स्टॉक में आठ सौ रुपए तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा सेवन थर्टी थ्री जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर वोलेटाइल है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए रामको सीमेंट 800 का टारगेट रामको के भी नंबर्स आ चुके हैं अभी यहाँ से शायद वो अगला मूव आता हुआ तेजी की तरफ दिखाई देगा आप खरीदारी करके चलें 800 के टारगेट के लिए चलिए तो ये हो गए ट्रेड्स एक-एक ट्रेड हमारे जानकारों से लेंगे लेकिन पहले बात कर लेते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की ब्रिगेड के, के केस में हमने देखा है कि नतीजे बहुत ही जोरदार रहे आय दो गुना हुई मुनाफ़ा तीन गुना बढ़ता हुआ एबिटा में तगड़ी ग्रोथ रही है मार्जिन्स बढ़कर आए हैं क्यू फोर में प्री सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो वो करीब करीब फोर्टी सिक्स परसेंट बढ़ा है ये दो हज़ार एक सौ उनचास करोड़ पर आया अब यहाँ से आगे एफ आई ट्वेंटी फाइव का साल कितना बेहतर रहेगा Uspar Brigade Group, ke Pradyuman Krishna Kumar, Himayasar Jodrehe. Pradyuman, thanks for taking time out. Uh, it's been a very good quarter. Give me a sense of whether FI25 will also turn into be a great year. Morgan, thank you for having me on your show. So, yeah, so we've had a very good FI24, and, uh, you know, like you already displayed some of the numbers, uh, you know, strong uh, numbers as far as revenue. Uh, a the margins, everything have turned out very well. Similarly, with our pre-sales uh, numbers too on the on the real estate side. As far as the outlook for FY '25 goes, I think we continue to be bullish uh, in all our segments. In fact, not just the residential vertical, uh, which is done very very well for us. Uh, uh, we've clocked seven point five five million square feet uh, in the last financial year, and about two point seven two million of that uh, in the last quarter. So uh, we expect uh, we expect to. Uh, you know, have a healthy growth uh, over these numbers for FY25. Typically, we don't give guidance, so I'm not mentioning a number, but we expect a healthy growth uh, uh, as far as the real estate segment goes. Um, in in terms of our lease revenue business, which is our office and retail space, uh, again, FY24 has been a standout here. We grew about 25% uh, in terms of revenue. Um, uh, in FI twenty four as against FI twenty three, so we went from about seven fifty crores to nine forty crores uh, in FI twenty four. That's been on the back of very good leasing of our SEZ spaces. Uh, in fact, some of our own conversations uh, in the past have, you know, had some concern on the on the SEZ space leasing, uh, and you know, I'm happy to say that over the last two years, th there's been tremendous focus on it. We've been able to lease all the SEZ space without uh, denotifying any of them. And, uh, you know, we've seen that translate into uh, uh, the lease revenues uh, now. There's, of course, uh, always a lag between uh, leasing a space and uh, commencement of rent. So that commencing of rent has hit uh, in FY24, and we can see the numbers uh, thereof. Similarly, in the hospitality business too, we've uh, you know we've continued to grow on the back of uh, strong domestic uh, demand, uh, uh, and in fy FI twenty five, we hope uh, that this continues to grow with uh, more international business also coming in. And how have uh, realizations fed? Uh, uh, there's been a slight softness, if I'm not mistaken. Uh, uh, was it a one off, or all realizations are likely to taper from here onwards? So, uh, if you look at the full financial year, we have actually grown by over 20% uh, as far as price realization goes. In the last quarter alone, there has been a little bit of uh, a softening. That's primarily due to the product mix. It has nothing to do with the uh, with the sales of any particular uh, project or the price increases in those projects. It's just a question of product mix. We had some amount of uh, plotted development uh, which came in uh, for sale uh, in Q4, and therefore, uh, you know, and typically they don't do eight thousand, 8,000, 9,000 rupees a square foot. Now they range uh, more in the this thing of about five and a half to six thousand rupees and that's the only reason why you see that otherwise we continue to see healthy growth in, in price realizations as i mentioned for the full year we have gone over 20% maybe 23 24% uh, as far as price realization goes uh, and we expect uh, that to increase in fact in this uh, financial year we have planned about uh, 12 and a half million square feet of launches in the uh, in the residential uh, vertical and many of that uh, has you know products priced higher than normal uh, in our portfolio, so uh, so you will see uh, as uh, as while I don't have a number for you, you will see uh, an increase in our price realization in in this fiscal year too. Okay, so uh, these launches are uh, uh, are spread out through the year, or we are likely to see them perhaps in the second half of the year itself. Uh, it's spread out through the year, uh, maybe a little more in the second half of the year, but it is spread out through the year. Uh, across Bangalore, Chennai, and Hyderabad. So, of the 12.5 million square feet, about 7.5 is coming from Bangalore, mm. and about 3 million from Chennai, and uh, about 2 million square feet from Hyderabad. So, these are spread across uh, all four quarters, but uh, more in the second half of the uh, of this financial year. So, your plan South Indian markets? What is Are you looking to enter new markets, Pradyuman, in FY25? So we continue to focus on bangalore chennai and hyderabad we believe there's a lot of depth in these markets a lot for us to do in these markets we want to consolidate and grow our positions in both uh, chennai and uh, hyderabad bangalore of course is based we do very well here but we also want to and and while that will continue to grow we want to do more in chennai and hyderabad so these three cities continue to be our focus uh, while you know there is this constant question uh, about uh, uh, mumbai in particular of ncr 2 but mumbai in particular we have uh, at this juncture uh, not taken a call to uh, move uh, to these cities okay Point taken. Uh, good luck to you for FY25, and we'll keep uh, talking to you uh, through the year as well. Thank you. Always a pleasure. प्रद्युमन कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि एफ आई ट्वेंटी फाइव में जो कंसिस्टेंसी रही है कंपनी की तरफ से नए प्रोजेक्ट्स को लेकर रियलाइजेशन को लेकर वो बरकरार रहेगी नए मार्केट्स में नहीं जहां मार्केट्स में इनकी अच्छी पकड़ है यानी कि दक्षिण भारत के बाजार उन्हीं पर इनका फोकस बना रहेगा चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों की बात करेंगे देखते हैं अमोल लक्ष्मीकांत और पंकज कुछ नए ट्रेड्स जोड़ते हैं या फिर इंतजार करेंगे दोपहर में एक स्वीक का आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन हमारे जानकार एक एक और ट्रेड वैसे जोड़ पा, जोड़ सकते हैं लेकिन वो इंतजार करेंगे होपफुली कुछ स्थिति बेहतर होगी एक स्विंग बैक आएगा और मौका मिलेगा फिर नई पोजीशन लेने का बहरहाल जो ट्रेड आया है वो आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं और देखते हैं किस तरह के रिटर्न बन रहे हैं एक एक जगह खाली रखी है तीनों ही जानकारों ने और एक स्टॉक जोड़ा है तो लक्ष्मीकांत ने शुरुआत की इंडियन बैंक के साथ 635 का इनका टारगेट है 575 का स्टॉप लॉस दिया रिटर्न देखते हैं क्या बन रहे हैं कंस्टिंग आज जॉब बैंकिंग शेयरों में वैसे भी कुछ खरीदारी लौट कर आई है पॉइंट की तेजी इंडियन बैंक इनको कमा कर दे रहा है अब पंकज का पोर्टफोलियो देखिएगा इंडस टावर तीन का टारगेट रखा तीन का स्टॉप लॉस है तेजी वाला ये कॉल और ये इनको पॉइंट तक का योगदान दे रहा है अब आइए आप अमोल के पोर्टफोलियो पर और अमोल ने रैमको सीमेंट जोड़ा 800 का टारगेट 733 वाला स्टॉप लॉस है इधर थोड़ा सा फ्लैट कारोबार हो गया है हल्का फीकापन देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अब ओवरऑल रिटर्न की स्थिति और मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला ये अब फोर पॉइंट सेवन टू परसेंट रिटर्न पंकज के बने हुए हैं या आगे चल रहे हैं लक्ष्मीकांत अब 3.55 परसेंट के रिटर्न्स पर एंड 2.89 परसेंट के रिटर्न्स पर अमोल बैठे हैं ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर वन का जब भी बदलाव आएगा जब वो नया ट्रेड आएगा उसका एक अपडेट हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे जरूर और साथ ही एक बजे मिड कैप मंत्र में रिकैप भी लेकर आएंगे चलिए इस बीच वक्त हो रहा है एक ब्रेक का लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए खास एक कमोडिटी गुरुकुल सी एम बी सी और उसकी पूरी टीम लेकर आ रही है 22 जून को ये गुरुकुल होगा ये एक वेबिनार है जहां पर देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको बताएंगे मार्केट को कैसे पढ़ना है क्या वो चीज़ें हैं जो आपका ट्रेड सफल बना सकती हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो आपका ट्रेड फेल करा सकती हैं तो पूरे कमोडिटी ट्रेडिंग के गुण आपको सिखाएंगे हमारे ये जानकार टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों तो आप ज़रूर जुड़िएगा कैसे जुड़ना है आपको इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है तो 22 जून का दिन है आप ये डिटेल्स देखिए आप क्यू कोड भी स्कैन कर सकते हैं कमोडिटी गुरुकुल जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं खास